था टाइगर और टाइगर जिंदा है के बाद टाइगर 3 को लेकर के बाद एक अपडेट्स नजर आ रही है। और सबसे बड़ी अपडेट यहाँ पे ये नजर आ रही है कि टाइगर 3 का जो बजट है वो 200 करोड़ के ऊपर होने वाला है और वो ये फिल्म एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, 5 कंट्रीज में शूट होने वाली है। यानी कि बड़े ग्रैंड स्केल पे ये फिल्म शूट होने वाली है। स्क्रीन प्ले लिख लिया गया है इस फिल्म का, आदित्य चोपड़ा ने लिखा है और जगदीश त्यागी ने। और इस फिल्म को लेकर सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीजें अभी जो हो रही है वो देखी की जा रही है कि शूटिंग कहाँ पे होगी एग्जैक्टली, और प्री प्रोडक्शन जो होता है कि फिल्म की शूटिंग कहाँ होगी, कितने लोग इन्वॉल्व होंगे, कितने क्रू मेंबर्स होंगे, कहाँ पे शूट किया जाएगा, ये सब वर्क फिलहाल चालू है। लेकिन यहाँ पे इन सब सवालों के बीच में एक सवाल जरूर आपके मन में होगा या मेरे मन में भी है कि क्या सूर्या भाई इस फिल्म में हीरोइन कैटरीना कैफ ही होंगी? तो अगर मेरे से कोई पूछे तो मैं कहूंगा कैटरीना कैफ और सलमान खान का कोई तोड़ नहीं है और इनसे अच्छी जोड़ी मुझे नहीं लगता बॉलीवुड में फिलहाल है। और जो केमिस्ट्री है वो बहुत ज्यादा स्पार्किंग है क्योंकि अंदर से दोनों एक दूसरे को, अभी ये सब बोलने की बात है, मतलब फील समझ जाओ, तो एक बॉन्डिंग अच्छी दोनों की, मतलब कहने का मतलब ये है, ये ज्यादा अच्छा वर्ड है ना, तो ये बढ़िया जोड़ी होगी। और मुझे लगता है टाइगर 3 का, मैंने ये भी सुना है कि टाइगर 3 कैसा होगा पता है क्या, टाइगर वर्सेस जोया होगा। यानी कि जो हीरोइन है कैटरीना कैफ जो पाकिस्तान की रहेंगी और हिंदुस्तान के रहेंगे सलमान खान, इन दोनों के बीच में ही फाइट वगैरह कुछ ऐसा सुना है मैं, बट इस पे कितना सच है पता नहीं, बट अगर ऐसा होगा तो बहुत इंटरेस्टिंग होगा। वैसे भी टाइगर जिंदा है में हमने काफी ज्यादा एक्शन सीन्स देखे हैं जोया के यानी कैटरीना कैफ के, तो दैट कुड बी ए पॉसिबल वे टू यू नो, ये बहुत अच्छा लगेगा मुझे ये थीम पे अगर फिल्म बन गई कि जोया वर्सेस टाइगर, तो धमाल हो जाएगा मुझे ऐसा लगता है। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान वाला जो एंगल है वो बहुत ही खतरनाक और बहुत बढ़िया एंगल है। इस एंगल को कई फिल्मों ने भुनाने की कोशिश की है मेकर्स ने, आपको याद है बॉर्डर, याद है आपको, याद है ये फिल्म भी याद होगी गदर, याद होगी भारत जो सलमान खान की थी उसमें भी इंडिया पाकिस्तान वाला जो मुद्दा है वो बुनाने की कोशिश की गई थी, लेकिन उतनी नहीं चल पाई। ऑफकोर्स इट वॉज ए गुड फिल्म, 211 करोड़ का लाइफ टाइम कलेक्शन किया था, हिट टैग मिला था, बट स्टिल वो जो भुनाना है ना 300 करोड़ वाला जो क्लब वाला जो हम सोच रहे हैं वो नहीं कर पाई थी। एनीवेज ये उम्मीद करते हैं कि 200 करोड़ के बजट में बन रही ये फिल्म 300 करोड़ के ऊपर तो आराम से जाए, और मनीष शर्मा इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं ये अब लगभग साफ हो चुका है। एनीवेज आपको कितनी खुशी हुई जानकर कि इस फिल्म का बजट 200 करोड़ के ऊपर है और ये करीबन इस ग्लोब में यानी कि इस दुनिया में 5 अलग अलग देशों में शूट होने वाली है। जो भी अपडेट्स होंगी जल्दी बताऊंगा, फिलहाल यही समझ लीजिए कि ये फिल्म की शूटिंग मुझे ऐसा लगता है इस साल के एंड तक शुरू हो जाएगी और अगले साल के एंड तक हम उम्मीद कर सकते हैं बिग क्रिसमस वाला जो है ना इवनिंग वैसा रिलीज होगी फिल्म क्रिसमस ईव पर। चलिए फिलहाल कितना वीडियो अच्छा लगा चैनल सब्सक्राइब करना भूलेगा।